विद्युत बिल माफ करने, पूर्व में जारी 833 प्रतिमाह का अनुदान जारी करने व विद्युत पेनल्टियां खत्म करने, सहकारी ऋण वितरण व फसल बीमा की विसंगतियों को दूर करने, टिड्डी नियंत्रण, नहरी सिंचाई सहित विभिन्न किसानों से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अनुसार बकाया बिलों की वसूली बंद कर कृषि कनेक्शन काटने पर रोक लगाई जाए व जले हुए ट्रांसफॉर्मर को बदलने हेतु बकाया भुगतान की शर्त हटाई जाए, विभिन्न तत्काल प्राथमिकता वाले कृषि विद्युत कनेक्शनों के मांग पत्र जारी करने से रोक हटाई जाए, मार्च 2012 से लंबी सामान्य श्रेणी के कृषि संबंधों के कट ऑफ दिनांक बढ़ाकर कनेक्शन जारी करें, विभिन्न पुनर्भुगतान योजनाओं में किसानों का डिस्कॉमों में बकाया ब्याज सहित विद्युत बिलों में समायोजित किया जाए, सरकार मक्का आयात कर रही है जबकि किसानों को 1200-1400 में लागत भाव से नीचे मक्का बेचने को मजबूर होना पड़ता है, अतः समर्थन मूल्य से नीचे भाव रहने तक फसलें आयात नहीं की जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। थी हमारी माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में वो तीन मीटिंगें थी हमारी, एक तो जिला स्तरीय कृषि विकास समिति की मीटिंग थी, एक हमारी जिला उद्यान विकास समिति की मीटिंग थी और एक आत्मशासी परिषद की मीटिंग थी। इन सभी मीटिंगों के अंदर माननीय कलेक्टर महोदय ने ये निर्देशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को जोड़ के जितनी भी ट्रेनिंग की स्कीमें हैं या मुख्य तौर पर जो अभी नई कृषि विपणन नीति घोषित हुई है, राजस्थान प्रोत्साहन निवेश प्रोत्साहन योजना जो बहुत ही काश्तकारों का इसके अंदर बहुत ही कल्याण होगा इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ तक है कि 2 करोड़ की अगर इकाई लागत है तो 1 करोड़ तक का लोन इसके अंदर मिलेगा, तो विशेष तौर पे इसका प्रचार प्रसार, व्यापक प्रचार प्रसार मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से ये करवाने के लिए भी माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा है। तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि जो परियोजनाएँ जो चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वो काश्तकारों तक पहुँचे और काश्तकारों के जेब में 2 पैसा आए, ये हमारी सबसे बड़ी ध्येय रहेगा इसके अंदर ट्रेनिंग का। डॉक्टर जी.एल. चावला, उपनिदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक आत्मा।